आजकल लोग कहते ना, क्या फायदा भगवान मिल जाए, नहीं मिले तो क्या हानि है, हमको तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो तो मिल ही रहा है। मुफ्त में अन्न देने की होड़ लगी है, ये मुफ्त में अन्न देने की होड़ नहीं है, ये वोट बटोरने की होड़ है। भारतीय प्रजा को अकर्मण्य बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं समझें कि हम विरोध कर रहे हैं कि गरीबों को भोजन नहीं मिलना चाहिए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है वोट के लिए, कुर्सी के लिए, इससे जनता की बहुत बड़ी हानि हो रही है, वो अकर्मण्य हो रही है। उद्योगी नहीं है, वो परिश्रमी नहीं है। उड़ीसा में कितने रुपए किलो चावल मिलता है? 2 रुपए किलो। काम क्यों करेंगे भाई? क्यों करेंगे काम? परिश्रमी बनाओ, उद्योगी बनाओ, खूब दो, ज्यादा दो, हम मना नहीं करते, खूब दो। लेकिन भारत को निरुत्साही मत बनाओ, आलसी प्रमादी मत बनाओ। हम तो कहते हैं कि भगवान कृपा करें ऐसा होवे कि प्रत्येक भारतीय सैनिक हो जाए। जैसे एक सैनिक होता है, ऐसे हो जाए प्रत्येक भारतीय। क्या कहना, बहुत दुखद स्थिति है। भारत का ही एक टुकड़ा जिसे वर्तमान में लोग पाकिस्तान कहते हैं, बड़े बड़े कम से कम 300 मंदिर वहां थे, अब 30 मंदिर भी नहीं रह गए हैं। ~12-13% हिंदू थे, अब 2-3% भी नहीं रहे। लो महाराज कह रहे हैं आज भी मंदिर तोड़ा गया। देखो बुरा नहीं मानना, मानो तो मान जाओ। ये बहुत बड़ा नुकसान इस देश के नेता कर रहे हैं, इन्हें इस देश के भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं है। जो पाकिस्तान में हो रहा है वो यहां भी हो जाएगा यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो। वो समय आने में देरी नहीं है। क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? वह हिंदू इतना घट गया और कितनी दुर्दशा वहां रहने वाले हिंदू की है हम आपको कह नहीं सकते। यहां देखो यहां क्या हालत है। एक घर जमाई होते हैं, घर जमाई शायद घर जमाई का भी उतना आदर नहीं होता होगा जितना आदर दिया जाता है, केवल वोट के कारण। और जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक होता चला जा रहा है उन्हीं उन्हीं क्षेत्रों में भयंकर हिंदुत्व के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर संकट है, गाय के ऊपर संकट है, संतों पर संकट है, ब्राह्मणों पर संकट है, हमारी सभ्यता पर संकट है, हमारे संस्कारों पर संकट है। हमें ध्यान ही नहीं। इसलिए भैया
गोरक्षा भी करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है, अपने धर्मस्थलों की रक्षा करनी है, संस्कारों की रक्षा करनी है, तो हम बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहते हैं, पूरे भारत के हिंदुओं को जाति वर्ग संप्रदाय आदि के अपने आग्रहों को अपने स्थान पर रख, अपनी परंपराओं को आप मानिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए, गोरक्षा के लिए हिंदू मात्र को एकजुट हो जाना चाहिए। नहीं तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।